खबर के साथ कर रहे हैं। नोएडा की क्लियो काउंटी सोसाइटी में महिला की थप्पड़बाजी वायरल हो रही है। महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ रसीद कर दिया। गेट खोलने में देरी होने पर महिला ने गार्ड की पिटाई कर दी। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नोएडा पुलिस ने आरोपी महिला सुतापा दास को गिरफ्तार कर लिया है। ये ताजा जानकारी इस मामले में सामने आ रही है। यही वो सीसीटीवी फुटेज है क्लियो काउंटी सोसाइटी की, जिसके सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने यह कार्रवाई की है और थप्पड़ रसीद करने वाली महिला को कर लिया है गिरफ्तार। अंशुमन यादव हमारे साथ मौजूद है नोएडा से, हमारे संवाददाता अंशुमन, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल ये मामला शनिवार का है। सेलो काउंटी सोसाइटी में सुतापा दास नाम की ये महिला है, जो महिला प्रोफेसर है, इनका शनिवार की दोपहर की घटना है। ये अपने कॉलेज से सोसाइटी में आ रही थी, तभी गेट खोलने में देरी को लेकर इनका पारा गरम हो गया और उन्होंने आनंद फानंद में सिक्योरिटी गार्ड के थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिए, जिसकी वजह से गार्ड भी थोड़ा परेशान रहा। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस को ने इसमें संज्ञान लिया। पी एस थ्री कोतवाली ने इस महिला के खिलाफ, जो थप्पड़ और थप्पड़बाज महिला है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ताजा जानकारी ये है कि महिला की गिरफ्तारी भी की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। नोएडा की क्लियो काउंटी सोसाइटी का यह पूरा मामला है, जहां पर महिला की थप्पड़बाजी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इस फुटेज के आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है और थप्पड़ रसीद करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।